पर जानकारी आ गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई। टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने इतिहास रच डाला है, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है, भारत का नाम गर्व से ऊपर कर दिया है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने उन्हें बधाई दी है, और उसके साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मिठाई भी बांटी है। हरियाणा के छोरे ने भाला गाड़ दिया, ये कहा है सीएम मनोहर लाल ने। टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने इतिहास रच डाला है, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने फाइनल मुकाबले में धमाकेदार जो है प्रदर्शन किया, और अपने तमाम प्रयासों में अपने इरादे जाहिर कर दिए। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा स्कोर उन्होंने बनाया है वो 87.58 मीटर का थ्रो उन्होंने फेंका, जिसको कोई बीट नहीं कर पाया। इसके साथ आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी उन्हें बधाई दी है। टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने इतिहास रच दिया है, सीएम मनोहर लाल ने मिठाई बांटी है, इसके साथ ही पीएम मोदी ने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें बधाई दी है, और लगातार बधाई का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। रक्षा मंत्री ने भी उन्हें बधाई दी है, सीएम मनोहर लाल ने मिठाई बांटी है, उसके साथ ही पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी उन्हें बधाई दी है। और हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब, आप क्या कहेंगे आज इस खुशी के मौके पर? निश्चित तौर पर पूरे भारत वर्ष के लिए आज एथलेटिक्स के क्षेत्र में ओलंपिक का गोल्ड मेडल पहली बार मिला है, ये बहुत बड़े गर्व की बात है, और पूरे हरियाणा वासियों का आज सीना चौड़ा है कि भारत माँ को एथलेटिक्स के क्षेत्र में ये पहला गोल्ड मेडल दिलाने का काम हरियाणा के बेटे नीरज चोपड़ा जी ने किया है। पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है, और एक बहुत बड़ा आज एक नई शुरुआत हुई है। इस 23 वर्षीय नौजवान ने आज भारतवर्ष के अनेकों युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य किया है कि भविष्य के अंदर वह भी ओलंपिक्स के अंदर इसी प्रकार से तिरंगा फहराया जा सके, भारत का राष्ट्रगान वहां पर उसके वहां गूंजे, और नीरज चोपड़ा को सदा सदा इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम आज लिखा जाएगा। मैं नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यह एक मेडल के पीछे उनकी वर्षों की तपस्या है जी। और जिस प्रकार से उन्होंने ये आज एक चैंपियन की तरह से खेल करके जीत हासिल की है, उनका आत्मविश्वास शुरू से ही दिखाई दे रहा है, और बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड चैंपियन को हराते हुए आज गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अभिमन्यु जी, क्योंकि ना सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए उन्होंने ये मेडल जीता है, और भारत का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा कर दिया है। वहीं कैप्टन साहब, जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी सराहना की है नीरज चोपड़ा की, और उसके साथ ही तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको भी इनामी राशि घोषित की है, वो भी अपने आप में बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाला सराहनीय कदम है हरियाणा सरकार का। निश्चित तौर पर, और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से अपनी खेल नीति के नाते से जो घोषणा की है वह स्वागत योग्य है। मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि नीरज चोपड़ा का जो ये गोल्ड मेडल है ये अपने आप में इतिहास दर्ज करने वाला है। कहीं मेरे निजी तौर पर मेरे निजी विचार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वो कभी कभी ऐसे मौके आते हैं के नीति से हट करके निर्णय लिए जाएं, और जो नीरज चोपड़ा जी को बेहतर से बेहतर जो उनको सरकारी नौकरी और सरकारी जो सुविधाएं हैं जिससे और खेल को वो बढ़ावा दे सकें, बेहतर से बेहतर देने की वो कोशिश करें ताकि और नौजवान इससे प्रोत्साहित होकर के और भारतवर्ष को खेलों के क्षेत्र में जो हमारा स्थान दुनिया में होना चाहिए वह स्थान बन सके। बिल्कुल अभिमन्यु जी, और हरियाणा भवन में ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी मिठाई बांटी है, बहुत ही खुशी का पल है हरियाणा वासियों के लिए, बहुत ज्यादा खुशी का पल। ये सबके लिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई भाजपा या कोई सरकार नहीं है, यह पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश के लिए, दुनिया भर में बसे हुए भारतीय आज खुशी मना रहे हैं। कितने ही ऐसे NRI
मित्र सोशल मीडिया के माध्यम से जी उनके हमने पोस्ट देखी है। पूरी दुनिया में जहां भी भारतीय हैं, एक बहुत बड़ी खड़ा जो एथलेटिक्स विशेष रूप से, उसमें भारत कभी गोल्ड मेडल, कोई इंडिविजुअल गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था। बिल्कुल। और वह नीरज चोपड़ा जी ने इतिहास बनाया है और पूरा देश और हर भारतवासी आज खुश है। बिल्कुल अभिमन्यु जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा को सबसे ऊपर ला दिया है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत का भारत के अंदर। वास्तव में खुशी की बात है, भाई बजरंग पुनिया ने भी आज इतिहास रचा। उनके योगदान को और उनकी जो अचीवमेंट है उसको भी छोटा करके नहीं देखा जा सकता। कुश्ती के क्षेत्र में उस नौजवान ने इतनी ही तकलीफों को सह करके, अपनी तपस्या करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके आज उन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाने में योगदान दिया है। मैं बजरंग पुनिया जी को भी बहुत बहुत बधाई और उनको साधुवाद देता हूँ। बिल्कुल अभिमन्यु जी, क्योंकि बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, हालांकि महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, वो पूरे देश के लिए एक ऐसा क्षण था कि हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस प्रकार का जीवट उन्होंने खेल के मैदान में प्रदर्शन किया था वह निश्चित तौर पर जीतेंगी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। वो भले मेडल न जीत पाए हो लेकिन पूरे देश में एक नया जज्बा उन्होंने पैदा किया है और बेटियां इस संकल्प को आने वाले समय में पूरा करेंगी। इन बेटियों ने, जो हमारी महिला हॉकी की खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से जोश के साथ में हॉकी के मैदान में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि अब खेल जगत में नया जो नई पीढ़ी है उसकी रुचि बढ़ेगी और जो नया भारत है, उस नए भारत का जो नया जोश है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो नया आत्मविश्वास देश के अंदर आया है, वह नई पीढ़ी आत्मविश्वास से लबरेज होकर के वह नए रिकॉर्ड आने वाले समय में बनाएगी। बिल्कुल अभिमन्यु जी, क्योंकि ये जो शब्द है ये सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं, और क्योंकि हरियाणा के कई सारे खिलाड़ी जो है ओलंपिक में इस वक्त मौजूद है और हर दिन जो है एक गेम होता है जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जितने भी खिलाड़ी वहाँ खेल के मैदान में उतरे हैं, खेल की भावना से खेलते हुए, ओलंपिक स्पिरिट से खेलते हुए वह अपने देश और अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करने का काम कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों की तपस्या का हमें अच्छी तरह से ध्यान है कि वह एक इवेंट के लिए केवल वहां नहीं, उसके लिए उन्होंने सालों साल बड़ा त्याग और बड़ी तपस्या करने का काम किया है। सभी खिलाड़ियों को मैं सल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, और ओलंपिक्स के अंदर भारत की जो उपस्थिति पहले से बहुत अधिक प्रभावी तौर पर दर्ज कराई है, सभी खिलाड़ियों को देशवासियों की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चलिए कैप्टन अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, जिन्होंने तमाम जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं और भारत के खिलाड़ी हैं उनको शुभकामनाएं दी हैं, और उसके साथ ही नीरज चोपड़ा को उन्होंने शुभकामनाएं दी।